वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन ईट लो। आज हम आए हैं अलीगंज के भाटी चोखा रेस्टोरेंट में। भाटी चोखा रेस्टोरेंट अलीगंज लखनऊ। तो चलिए चलते हैं गाइस। यहाँ पे गोमती नगर वाले भाटी चोखा रेस्टोरेंट से थोड़ा छोटी जगह है। गाइस यहाँ पे भाटियाँ सेकी जाती हैं, वो कुल्लड़ कुच्छे रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला कूटा जा रहा है। दोस्तों ये हल्दी है, हल्दी का पाउडर बनाया जा रहा है। पत्तल भी दिखा रहे हैं। इसमें दाल पक रही है। तो गाइस यहाँ पे भी काफी अच्छा एम्बियंस है, आप देख सकते हैं, और काफी शांति है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस। और ये आर्टिफिशियल ट्री बना है। तो यहाँ से देखने में जगह काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन अंदर बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। और ये चीज़, ये लाइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ की। वाह, काफ़ी शांत माहौल। तो ये हमारी फैमिली बैठी है। तो गाइस हम लोग की प्लेटें लग रही हैं। और आज निखिल का बर्थडे है। हाँ, ये क्या है? ये कुल्लड़ है। ट्री लगा है ना बड़ा सा, ये क्या है डिजाइन, है ना, अच्छी आर्ट है, तुम करोगे? अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ? ये केतली है, नहीं कुछ छूना मत। इधर हमें बताओ, वो है लंगाड़ा, आ जाओ। और ये है चक्की, वो देखो चक्की, इधर इधर आओ चक्की, वो देखो, चलो चलो आ जाओ। हाँ इधर आओ, इससे गेहूँ पीसते हैं और चना पीसते हैं। वो हाथ है छोटी सी ना। Thank you.
मशरूम है, काफी अच्छा है ये लैम्प। दोस्तों ये चोखा है और ये है बाटियाँ, ये सालसा, सालसे वाली चटनी है और ये मिंट धनिया की चटनी है और थोड़े प्याज हैं। तो दोस्तों यहाँ का मेनू सेम गोमती नगर वाले मेनू जैसा ही है। दोस्तों चोखा भाटी और सालसा चटनी सेम गोमती नगर वाले भाटी चोखा रेस्टोरेंट से मिलती है और हम अपना फूड एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। निकल रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।